बालाघाट जिले की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री वीएल कांताराव के प्रयासों से बालाघाट जिले में मतदान के लिए आपात स्थिति में उपयोग के लिए एवं सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी के लिए एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया। भारतीय वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर 28 अप्रैल को बालाघाट पहुंच गया है। 28 अप्रैल को मतदान दलों के मतदान केंद्र पहुंचने के बाद चुनाव प्रेक्षक श्री सुरेंद्र राम, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, बेहर के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर श्री चंद्र प्रताप गहल, लांजी के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर श्री गोविंद दुबे ने हेलीकॉप्टर से बेहर एवं लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नक्सल प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्र के मतदान केंद्रों का हवाई सर्वेक्षण कर मतदान संबंधी तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भारतीय वायुसेना इस हेलीकॉप्टर का उपयोग मतदान के लिए आपात स्थिति निर्मित होने पर मतदान दलों को सुरक्षित लाने में भी किया जा सकेगा। संवेदनशील मतदान केंद्रों एवं क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए 15 ड्रोन कैमरों को लगाया गया है।